केवल 2 दिन लौकी का ऐसे करें इस्तेमाल, बाल झड़ने होंगे रातों रात बंद। प्याज का रस और सरसों का तेल का उपयोग, इसके लिए आपको 2 प्याज लेना होगा। अगर प्याज का साइज बड़ा है तो 1 ही ले लीजिए। प्याज के टुकड़े करके अच्छे से पीस लें। इस मिक्सर को 1 कढ़ाई में डाल के 2 कप सरसों का तेल भी डालना है। उसके बाद इसे 5 से 10 मिनट तक पकाना है। गैस को लो फ्लेम पर ही रखें, वरना मिक्सर जल भी सकता है। 10 मिनट बाद कढ़ाई को गैस से उतार लें और इसे ठंडा होने दें। इसके बाद आपको एक सूती कपड़ा लेकर प्याज का जो पेस्ट है उसे कपड़े पर गिराकर एक कटोरी में छान लें। अच्छे से निचोड़ के सारे तेल को निकाल लें। एक बार बनाए गए तेल को आप हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। इस तेल को अपने बालों में अच्छे से मसाज करते हुए लगाएं। इस नुस्खे को अगर आप 15 दिनों तक कर जाते हैं तो आपके बाल एकदम ही गिरना रुक जाएंगे और दोबारा कभी नहीं झड़ेंगे। बालों के लिए लौकी का इस्तेमाल, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसका झड़ना रोकने के लिए आपको लौकी का जूस पीना होगा। जूस को दिन में 2 बार जरूर पीना होगा। लौकी में आयरन विटामिन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे हमारे बालों को बहुत मजबूती मिलती है। अक्सर गर्मी के मौसम में बालों का झड़ना बढ़ जाता है, इसलिए लौकी का जूस हमारे सिर को ठंडक पहुँचाता है जिससे बालों का झड़ना रुक जाता है। लेकिन अगर आप लौकी का जूस नहीं पीना चाहते तो आप इसकी सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीकों से ये आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इससे गारंटी से झड़ना बंद हो जाएंगे आपके बाल।